नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। संविधान प्रणेता आंबेडकर को असम्मान घटन बर्षिला बीजेपी शासक दल छत्र छायार अभियुक्त अभियोग पर भी होनी कार्यानुष्ठान दुर्नीति विरोध में स्वर उठाइबा को गुंडागिरी देखाउछन्ति शासक दल समर्थक। आईपीएस प्रोविंस अंशक सहित प्रधानमंत्री का आलोचना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे 144 ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर को मोदी मंत्र आईन कानून माध्यम रे अपराधी लड़ा परामर्श पुलिस रे महिलां को भागीदारी बढ़ुवा कहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबुज शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी प्राथमिकता राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरांस रे 3 सबुज शक्ति प्रकल्प को अनुमोदन 1084 लोकों को मिली निजुक्ति तत्कालीन पेट्रोल मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ओडिशा पाइला लाभ। स्मार्ट सिटी परे सिल्वर सिटी रे चिंता बढ़ाला डेंगू कटक सहर में 8 डेंगू रोगी चिन्हट आक्रांतर शिकार होती कंटाक्ट ट्रेसिंग डेंगू सचेतन करने ट्विन सिटी रे महानगर निगम सचेतनता कार्यक्रम भुवनेश्वर 100% टीकाकरण संपन्न बीएमसी अतिरिक्त कमिश्नर सूचना कहले मोट 9,07,000 लोकों दुई डोज 18.1414 लाख थिला टार्गेट गतकाल सुधा 18,35,000 डोज दिया सरी। गत 3 मास रे राज्य को कम सार मिलता नहीं केन्द्र सार और रसायन मंत्री को मुख्यमंत्री चिट्ठी केन्द्र तथ्य ओडिशा उपलब्ध अच्छी पर्याप्त सार राज्य में चली सारर कलाबजारी रास्तार चाषी प्रतिवाद जारी। यूपीएससी आईईएस एवं आईएएस परीक्षा में ओडिया छात्र प्रभात दासों सफलता ट्वीट कर शुभेच्छा जनइले केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रभात सफलता ओडिशार युवापीढ़ी को प्रेरणा जगैब कहले धर्मेन्द्र। आज आसिबो राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन अपराह्न घोषणा करेंगे एसआरसी अगस्त मासरे संपूर्ण अनलॉक हो न पारे ओडिशा कोरोना स्थिति देखि डीएमईटी आकलन संविधान प्रणेता आंबेडकर को असम्मान घटन बर्षिला बीजेपी कार्यानुष्ठान केबे ए प्रश्न करिछि दल जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जिले में दलित वर्गर लोकमानक उपर आक्रमण होउछे यह आक्रमण करुवा लोक शासक दल समर्थक तेणु ए संपर्क में पुलिस निकट में इतला देलापर भी कार्यानुष्ठान होना मनरेगा दुर्नीति विरोध में धारणा देखा रीना कांडी और किसी दलित वर्गर लोक गत 27 तारीख राति 2 स्थानीय सरपंच पु मिट्टू बारिक मारधर करने अस्त्राव्य भाषा गाड़ी गुलस करपरिकी आंबेडकर फटो को तले पक दली मकजी एने पुलिस निकट में एतला दिया पर पुलिस ने कार्यानुष्ठान केन्द्रापड़ा जिले में मनरेगा दुर्नीति प्रसंग सामना को आनिबारु आक्रमण करा एवं अकथनीय निर्यातना दिगला जो दलित परिवार को निर्यातना दि जाता से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा पक्ष आंदोलन और धारणा भी दिगला मात्र एसपी से दिगरे कार्यानुष्ठान घटना को 30 दिन बीती जाते भी पुलिस कार्यानुष्ठान जहाँ बीजेपी बर्षि आम गलाकाली आम राज्य अनुसूचित जाति मोर्चार एक टीम आम जगत सिंहपुर नाउगाम ब्लॉक आगे से धारणा दे महिला माने एवं पुरुष माने तांको पाखकु जाइथिलु गला 27 तारीख दिन एक बर्बरोचित आक्रमण से एवं आक्रमणकारी होती सेठी जड़े सरपंच अच्छा तनुलता बारिक तांको पुओ मिट्टू बारिक एवं तांकर अन्य सहयोगी माने गला 27 तारीख राति 2 बेले जो माने धारणा स्थल बसी दलित महिला एवं पुरुष माने से माने अतर्कित भाव में आक्रमण कले मारणास्त्र को लेकिन टणा उटरा कर अकथन अश्राव्य भाषा गाड़ी गुलज कर सबुठ दुख परितापर कथा
आमर संविधान प्रणेता एवं भारतवर्षर महान जननायक भारत रत्न डॉक्टर बी आर आंबेडकर जो फोटो थिला ताकु से माने फिंगा फुकड़ा करिचंती दली मक्ची देइचंती ई अवस्था थिला बेले सेठी रीना कांडी बोली जने से महिला भितर ये आसामी मानक विरुद्ध एतला देइचंती एतला दे सारे देइथिले मध्य केस हेइथिले मध्य ये आसामी माने गिरफ हेइनांती एठी बिजू जनता दल शासन नवीन पटनायक नेतृत्व में जहाँ चली सरकार हूँ एक दलित विरोधी सरकार एवं एठी ओडिशार पुलिस ये हूँ बिजु जनता दल कर्मी भाव काम करुचंती तेणु बिजु जनता दल स्थानीय विधायक मंत्री नेता से चापा आगे ये पुलिस ऑफिसर निरपेक्षता परिवर्ते एवं आसामी मानक घंट घोड़ाई से पछौना तेणु यही एक अवस्था वर्तमान ये एक संवेदनशील घटना समग्र ओडिशा रे आज दलित माने जेतेबेले असुरक्षित होकर अच्छा से ही समय आम जो सांबादिक सम्मेलन टी करूँ आम आपण मानू साज्य भिक्षा करुचु आशा करुचु यही प्रकार एक घटना को आपण मैंने अंत लोकलोचन को निश्चित भाव आणवे तेणु गणतांत्रिक व्यवस्था ये सरकार ये प्रशासनिक कल को एवं पुलिस की जो भाई भाव निरपेक्षता आधार में कार्य कर सुजोग दवा कथा दौने सरकारी कलर चाप एवं शासक दलर नेता विधायक मंत्री मानक चाप बागे ये पुलिस प्रशासन मुंड नुआई अच्छी आज आसामी माने से माने निर्विवाद आज केवल विचरण करूना मसुधा करड़यंत्र करानी आक्रमण करने से ही संक्रांत आज ये सांबादिक सम्मेलन आम गला आशा प्रतिखर को आईपीएस पास आउट मानक सहित आलोचना करिसेंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी रे आईपीएस पास आउट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आलोचना करिसेंते 144 जन ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर को प्रधानमंत्री देइसेंते मंत्र पुलिस रो महिलांक भागीदारी बढ़ुथवा कहिसेंते प्रधानमंत्री यूपी रु अरुणाचल और बिहार रु केरल आईपीएस को प्रधानमंत्री आलोचना करिसेंते समान को सहित प्रधानमंत्री तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारी को अनेक प्रश्न पचारिथिले एवं सेमानक थारु परामर्श लोडिथिले प्रधानमंत्री तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारी मानकु कहिसेंते जे आपनकर युवा नेतृत्व देश को आगो को नेबो आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं आपका आप बंगलोर के हैं हिंदी भी काफी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं श्रीमान मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं आपको जो ट्रेनिंग मिली आपको क्या लगता है क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए तो आपको क्या फील हो रहा है मन में एक संतोष हो रहा है आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी और आप पिताजी कंपेरिजन करते होंगे कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी आपके जमाने में कैसी होती है तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी सर मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किए थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर भुवनेश्वर परे कटक रे चिंता बढ़ेलानी डेंगू कटक शहर रे 8 जन डेंगू रोगी चिन्हट होई एससीबी मेडिकल रे चिकित्सित होछन्ते समस्तंकर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करा जाउछि किछि रोगींक भुवनेश्वर लिंक रहिछे एससीबी रे डेंगू रो स्वतंत्र वार्ड करा जाइछि बोली कहिछन्ते सीएमसी स्वास्थ्य अधिकारी डेंगू सचेतन करबा पई कटक महानगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी नेतृत्व रे एक टीम करी कटक रो विभिन्न वार्ड रे सप्ताह रो 2 दिन सचेतन कार्यक्रम करा जाउछे से क्रम आज जोब्रार 41 नंबर वार्ड में डेंगूर निराकरण माइक जोगे प्रचार करा सचेतन करा
ड्रेन रे मशा तेल और ब्लीचिंग पाउडर पका जाउछि। सबडे थोरियासाई अंचल रे विभिन्न स्थान रे रोड उपरे अळिया आवर्जना गदा होई पड़ी रहउछि। ड्रेन सफा करा जाउ नाही। मशा तेल और मशा धुआं दिया जाउनी बोली अभियोग करिसेंते स्थानीय लोके। जेउ जेउ स्थान रे मशा तेल और ब्लीचिंग पाउडर पड़िनी ता सहित मशा धुआं छोड़ा जाइनी से सब अंचल रे खूब शीघ्र मशा धुआं मशा तेल व्यवस्था कराजियो बोली कहिसेंते सीएमसी स्वास्थ्य अधिकारी। प्रत्येक वार्ड रे एटा होची वीकली प्रोग्राम आमर फाइलेरिया इयर त निश्चिंत भाव रहुची। जदि कोनसी कोन गोटा रहियो त से अलग कथा किंतु आमर पूरा तांगर वीकली प्रोग्राम रहुची। तेणु आज ए नाळ हला माने पुणि सात दिन पर से नाळटा ही सफा हबो तेल पड़ब घंटा हबो सफा हबो कहीं गोटे अंडारु आडल्ट हवा पाई आमको 10 days लगे तेणु आम सात दिन थरे करदे से अंडाटा आ वृद्धिप्राप्त हुए ना। मशा धुआं तो बर्तमान स्टार्ट हबो जेहेतु आमर क्लस्टर रे केस बाहरी ना एमती गोटे गोटे मात्र कोट कोट तेणुक फगिंगटा आरंभ होनी। जदि आम क्लस्टर रे आरंभ हुए केस बाहर तेल आम फगिंग स्टार्ट हो मात्र 8 अच्छे 8 रु 4-5 भूल नंबर सब देखते ट्रेस कर पारू जो दु तीन टी बाहरी ट्रेस कलु आम से सब भुवनेश्वर कंटाक्ट अच्छे हिस्ट्री मानते भुवनेश्वर से ज्वर होती बंधु बांधव घर को आसीबी आसिक आडमिशन होती भले। सेपटे बीएमसी पक्षर आरंभ हो डेंगू सचेतनता कार्यक्रम घर घर बुली लोक सचेतन कराऊे। डेंगूर लक्षण सहित निराकरण उपर दि जाए प्राधान्य बस्ती एवं राजधानी चारोटी जोन रु वार्ड में डेंगू सचेतनता रथ बुली कर सचेतन या सहित तीन दिन मध्य राजधानी 67 वार्ड में मशा धुआं स्प्रे सहित जो परिम व्यवस्था खराब थी सेठाकार परिम व्यवस्था किपर सुधार आसव से उपर गुरुत्व दि जा क निजर परिवेश को परिष्कार रखंतु निजे परिष्कार रहंतु एवं एई परिवेश सफा करिवारे आमे आपन सहित सहयोग करचु तणु जहार दरकार आम सहित आलोचना करंतु आमे भी तांकर भागीदार होबु एवं भागीदारी रे भुवनेश्वर को नुआ दुनिया देखेबु। प्रतिषेधक मूल हिसाब रे आमे धुआं दउचु फगिंग करउचु ता सहित आमे विभिन्न जगह रे जो स्पॉयल पानी फाणी पड़ी रही लिक्विड पकाउचु जोगुडा एंटी टॉक्सिक रहउचि जहाँ फल कि मशा तैयारी होते भी से मरीजे देखु ग्रे एरिया जो सब अच्छी म्युनिसिपालिटी ता भितर ये बस्ती रोचे आम जदि टाउन रे सहर अंचल बुलूवा आमर किसी से विशेष परिवर्तन हला भाया देखा जाए पिकअप करूँ विभिन्न ग्रे एरिया जोटी आमर कि ना कि सहयोग अभाव रही जाइए कि लोक मान सतर्कतामूलक कमर अभाव रही। जो मैंने डेंगूर पोटेनसीआल सोर्सेस अच्छी कि भाई भाव आईडेटिफिकेसन और नष्ट सहित आम मैसीवली गोटे आवेरनेस ड्राइव स्टार्ट करूँ आज जो थे आम एस एच जी महिला मैंने अच्छा स्वच्छ साथी स्वच्छ सुपरवाइजर मैंने अच्छा ता सहित एनजीओ मैंने आम सहित जड़ित होती जो थे से मैंने फगिंग आम जो विभिन्न स्थान में करूँ तो मुझे भावुँ निश्चित भाव में लोकों पाखक जो डेंगूर सचेतनतार मेसेजटा पहुँची पारे जदि बीएमसी पहुँची पार प्रत्येक हाउस होल्ड पाखे भावुँ लोक सचेतन हे जो डेंगू डेंगू सचेतनता कार्यक्रम होता बेले राजधानी उपकंठ में देखाई डेंगू आतंक जटणी अंचल दुईज डेंगू रोगी चिन्हट होता गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ऑफिस पक्ष सूचना दी जाए। अनेपटे कोरापुट जिला बंधुंगा ब्लक में डेंगू और मलेरिया ज्वर को नहीं परिस्थिति बड़ जटिल होती। ब्लक बड़ सरपल्ली सान सरपल्ली गाँव में पखापाखि 300 घर मध्य प्राय 40 घरे जड़े कि दुईज लेखाएं डेंगू और मलेरिया रोग से आक्रांत होता जमापड़े। राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरांस कमिटी 2083.88 कोटी टंकार पुंजी निवेश को मिली अनुमोदन जहां मध्य रही तीनोटी सबुज शक्ति प्रकल्प। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुबले सबुज शक्ति उपर गुरुत्व दे आसुथबारु एहा संभव होइछे। तत्कालीन केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोगु ओडिशावासी को मिली यार लाभ। फलस्वरूप इंडियन ऑयल पक्षर बालेश्वर भागलपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट 870 कोटी निवेश रे हेबो एथनल प्लांट जार उत्पादन क्षमता दैनिक 500 किलोलीटर। से हीपरि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पक्षर नवरंगपुर उमरकोट रे 500 कोटी टंका निवेश रे 500 किलोमीटर एथनल प्लांट क्षमा करिए 500 किलोलीटर एथनल प्लांट प्रतिष्ठा हेबो। सेपरि अनुगुल जिलार बंतळारे न्यू वर्ल्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पक्षर 125 कोटी निवेश रे एथनल प्लांट एवं कंप्रेस बायोगैस प्लांट प्रतिष्ठा करा जिवो।
ए तीनोटी प्लांट रे 1084 लोकंक मिलिबो नियुक्ति देशरे रिन्यूएबल एनर्जी उपरे सबबेले गुरुत्व दे आसुछन्ते प्रधानमंत्री परिणाम स्वरूप देशरे राष्ट्रायत्त उद्योग सहित अन्य घरोई कंपनी पुंजी निवेश पई आग्रह प्रकाश करिछन्ते। गत फेब्रुआरी रे नुआदिल्ली रे देशरे प्रथम करी सीएनजी रे चलुथवा ट्रैक्टर उद्घाटन करथिले केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जहाँ कृषकों आत्मनिर्भर करने सहित 55% कम खर्च हो गडकरी कहते। सेपरी केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री कही कृषक भाग्य परिवर्तन कला भली उद्भावन सेपरी देश में सीएनजी रे चलुथवा लक्ष लक्ष ऑटो द्वारा अनेक गरीब आत्मनिर्भर हो पारिछन्ते देश सारा सीएनजी टैंकर चेन सृष्टि हो पारिछे। आपण देखुछन्ते अर्गस अपडेट ब्रेक रो समय ब्रेकफास्ट स्वागत। भुवनेश्वर है 100% टीकाकरण जुलाई शेष सुधा थिबा टार्गेट पूरण होइछे। विभिन्न वर्ग में मोट 9,07,000 लोकंकु 2टी डोज हिसाब से 18,14,000 डोज देवाक रहिथिला टार्गेट। गतकाली सुधा 18,35,903 डोज टीका दिया जाइछे सेथिमध्यरु 10,69,753 जन प्रथम डोज नै सारिछन्ति 7,76,150 जन उभय डोज टीका नै सारिछन्ति। तेबे भुवनेश्वर में कोवैक्सीन टीका दिया जाउथबा बेले एठारे टीकार अभाव नहीं वर्तमान मध्य समस्त टीका केन्द्र खुला रहिछे। भुवनेश्वर राजधानी होइथबारु एठाकु दैनिक बाहरु अनेक लोक आसन्ते टीका पई काहाकु मना करा जाई पारिबो नहीं भुवनेश्वरवासीयंकु प्राथमिकता भितरे टीका दिया जाइछे। वर्तमान बाहर लोकंकु मध्य टीका दिया जाउछ बोली सूचना दैछन्ति बीएमसी अतिरिक्त कमिश्नर लक्ष्मीकांत सेठी। बीएमसी रो प्रत्येक स्टेज रे आमे चेष्टा करूछु सर्वभारतीय स्तर रे मुख्य स्थान को जीवा पाई लोक मानको आदृत शहर रे आमे प्रथम अछु सर्वभारतीय स्तर रे 94% आदिवासी आमको सपोर्ट दे चंती स्मार्ट सिटी रो एक विभिन्न अचीवमेंट भीतर नंबर 1 रहूछि। बाकी रहला जो आमर कंटीन्यूअस टारगेट रहितला फॉर वैक्सीनेटिंग ऑल द भुवनेश्वर वासी सेतरे आमे कहवाक पड़ो जो सर्वभारतीय स्तर रे आमे प्रथम सिटी हेछु जे कि वैक्सीनेशन को अचीवमेंट करूछु। आपण माने जदि संख्या के हिसाब से फिगर को नेबे 10,60,000 पाखापाखी लोक जो माने टार्गेट भितर थिले से माने समस्ते फास्ट डोज ऑलरेडी नहीं सारी ता भितर डबल डोज रो व्यवस्था रे 8,00,000 पाखापाखी नहीं गले तो आपण को जदि मोटामोटी देखा पड़ो आम वैक्सीन करिवारे भुवनेश्वर समस्त बासी दे सारूँ। बाकी रहा जेहेतु भुवनेश्वर आमर पेंठस्थळी ओडिशार मुख्य सहर बहुत प्रकार पर्यटन ठूँ आरंभ कर आदिवासी मानकर आसवा जावा चली रही तांकमानकर वैक्सीनेशन को लक्ष्य कले आम खूब शीघ्र से भी डबल डोज दे जो माने जो दायित्व नहीं जो टाइम आसे 28 दिन पर भी से वैक्सीनेशन दे आम समस्त को डबल डोज दे कि फिट करूँ एवं कोरोना विपरीत विपरीत दिगरे जाकि बाजी मार। गत तीन मास रे राज्य को कम सार मिलता नहीं केन्द्र सार और रसायन मंत्री को मुख्यमंत्री चिट्ठी प्रसंग में उत्तर रखी केन्द्र ओडिशा को चाष क्षेत्र हो कि सार उपलब्धता दिगरे सर्वाधिक प्राधान्य दि जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में ओडिशा को चाष क्षेत्र को सबुबले गुरुत्व दे आसुछन्ते। गत तीन वर्ष रे अनुमान कले ओडिशा को धार्य आवंटित सार परिमाण ठारु अधिक जोगाई दि जाइए तेणु ओडिशा सरकार राज्य को धार्य आवंटित परिमाण सार ठारु कम सार दि जाइए कही केन्द्र को जो पत्र लिखिंट ताहा संपूर्ण भित्तिहीन एकपक्ष भावे सारर उपलब्धि नहीं राज्य सरकार जो प्रसंग उठाई चाषीों पर कुंभीर कांदा कांदुंट ताहा केवल लोकदेखाणिया केन्द्र सार विभाग पक्षर यूरिया डीएपी एमओपी एनपीके सारर पर्याप्त परिमाण उपलब्ध थिबा स्पष्ट करा केन्द्र सरकार सार विभाग द्वारा स्पष्ट करा तथ्य आधार आवश्यकता ठारु राज्य पाखे अधिक सार उपलब्ध अच्छे तेणु राज्य सरकार केन्द्र उपरे आक्षेप नक एकपक्षिया नुहे तथ्यर सठिक अनुध्यान करंतु मेड रेट अनुसार बिक्री ना होवार 350-400 टंका बिक्री होउछे किंतु इ टाइम ने जदि एतकी रेट ने जदि बिक्री हेबा बले ठीक टाइम के बोलबा के माने मुश्किल हो जाबा माने यूरिया सार रो माने महगा हो जाबा आ रेट बहुत बढ़ी जइबो अत्यारु अत्यारे ने बिकु छन जने एहन हमर गांव अंचल ने 450 टंका तक भी यूरिया बिक्री होउछे आ इटा जे गला वर्ष सार सरकार पूरा नहीं पारे से ही आजकल परिस्थित सृष्टि आदि आगे एंता परिस्थित लगे रहा तो निश्चित भाव सार अटका आउ रेट ने अटका बिक्री हवा आउ चाषी कलाबाजी शिकार हे
ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗୋଦାମକେ ଯାଉଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁଁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବାଲା କହିଛନ୍ ଯେ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ବେପାରୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରୁ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର କୃଷି ପ୍ରଧାନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାର ବି ଦାମ ଡବଲ ବିକା ହେଉଛେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ କୁଚିଣ୍ଡାଟା ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ହେଇକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମରଣ ନୀତି ହେଉଛି। ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଆମର ଯୋଉ କେମିକାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟଙ୍କୁ, ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯୋଉ ସାର ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା ଏଇ ଖରିଫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ ମିଳୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 40% ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଡିଏପି ନିଅନ୍ତୁ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି, ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସକାଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ବିନା ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସାର ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇଟା କିଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ। ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଇଇଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ 2020 ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ପ୍ରଭାତ ଦାସଙ୍କ ସଫଳତା, ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଥିବା ପ୍ରଭାତ ଦାସଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ଦାସ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କ ଘର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହି ସଫଳତାର ଖବର ସେ ଜାଣିବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସୁବାସ ନଗରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘରେ ପଶିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆସବାବପତ୍ର। ଆଜିକା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସୁବାସ ନଗରରେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ସୁବାସ ନଗରର ଜଣେ ନାବାଳିକା ନମିତା, ବୟସ 15, କିଛିଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନମିତା ରାଜାରୋଡ୍ ନାଗବଂଶ ଘର ଆଗକୁ ଯାଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସାହି ଲୋକେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରି ରାଜାରାଓଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଘରର ବାସନପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ଗାଁରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗର ଆତଙ୍କ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 95% ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଗାଁର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଶାନ୍ତିପୁର ଓ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଶାନ୍ତିପୁର ଓ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଦାଉସାଧିଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ଦୁଇଟି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 95% ଯୁବକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି 15 ରୋଗୀ। ଗାଁର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂଅରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୂଅ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ବି ଫଳଶୂନ। ସମସ୍ୟା ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହିଁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କିଡ୍ନୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପାଣି କଣ ବାହାରୁଛି? ପାଣି ଲୁହା ଖଣି ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣିରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁଛି, ଲାଲିଆ ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଲୁହା ଲୁହା ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଗଲା ଗାଁରେ ନାହିଁ, ପାଣି ଲୁହା ସେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଦିନ ହଁ ସେ ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଉଛୁ, ପାଣି ସଫା ନେଇ ନୀଳିଆ ହଁଦା ହଲଦି ମାଟିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଘର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ, କରୋନା ଯୋଗୁଁ କାହିଁ ନାହିଁ ଯିବା ବେଲା ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗୁ। ମୋର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଡ଼ନୀ ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଯାଇଥିଲି, ବୌଦ୍ଧ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ତାପରେ ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ପରେ 3 ମାସ କଲା ପରେ ମୋର କମିଲା ନାହିଁ, କମିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଇସା ବି କମ୍ ଥିଲା,
ଚାଷୀ ଲୋକ ଆଉ ପଇସା କରିହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପାଣି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମଲେଣି କିଡ଼ନୀ ଆଫେକ୍ଟରେ ଆମେ ଏବେ ବି 10 ଜଣ ଅଛୁ। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମିଳିପାରୁନି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା। ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଓ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ନେଇ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ। ସବୁ କୃଷି ଲୋକ କୃଷି କାମ କରି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଗରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେବ, କିଛି ସରକାର ଯଦି ପାଣିର ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା ଯଦି ମିଳିତା ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାଏ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ସରକାର ସହାୟତା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବି ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଯାହା ଲେଖିଦେଉଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରୁ କଳଙ୍କିଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକର ଜଳ ଯୋଗାଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।